गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि राजमा करी कैसे बनाते हैं, पंजाबी स्टाइल राजमा मसाला। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गैस ऑन करके कढ़ाई को रख देंगे, ये गर्म होगा तब हम बताते हैं कि सुबह से मैं अभी शाम को 8 बजे मैं 6 बजे ही मैंने राजमा को भिगो के रख दिया था। अभी राजमा पूरा भीग गया है और मैंने 5 से 6 विजल्स कुकर में देके मैंने राजमा को बॉयल कर लिया है। आप ये देख सकते हैं, ये पूरा उबल गया है। 5 विसल्स में मैंने ये किया है, ये देख सकते हैं आप, ये पूरा गल गया है। अगर किसी का अगर नहीं गला तो और दो सीटी विसल्स मार सकते। ये राजमा पूरा बॉयल होकर रेडी है। 4 से 5 चम्मच हम तेल डालेंगे इसमें। ये बस तो ये तेल पूरी तरह से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी एक लाल सूखी मिर्च, ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं। इसका टेस्ट मुझे पसंद है इसलिए मैं डाल रही हूँ, बाकी ये ऑप्शनल है, आपकी चॉइस। फिर हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे, जो मैंने 2 लहसुन और 1 बड़ा सा टुकड़ा अदरक का पेस्ट बनाया था। तो इसमें ये तेल में हम फ्राई कर लेंगे इसके। अदरक और लहसुन का पेस्ट देते समय गैस लो फ्लेम में कर लेंगे ताकि ये जल ना जाए। उसके बाद मैंने 2 बड़े बड़े प्याज चॉप कर लिया था, ये इसमें डाल रही हूँ। ये प्याज ज़्यादा ब्राउन नहीं करना चाहिए, बस थोड़ा सा फ्राई कर ले ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। ये आप देख सकते हैं प्याज थोड़ी थोड़ी फ्राई हो गई है। बस इसमें हम दो मैंने बड़े बड़े लाल लाल टमाटर चॉप कर लिया था वो डाल देते हैं। फिर ये इसको फ्राई करना है। फिर हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे थोड़ी सी, बस ये तब अब इसको फ्राई होने के लिए छोड़ देना है। मैं इसमें ढक्कन लगा देती हूँ ताकि ये हमारा जो टमाटर है थोड़ा सा पक जाए। ये देखिए हमारा जो टमाटर था वो थोड़ी थोड़ी फ्राई हो चुकी है। तो हम इसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। मैंने 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है। अब इसे थोड़ा सा ये देखिए ऊपर ये तेल जो है ना निकल गया है, इसका मतलब ये फ्राई हो चुका है। थोड़ा सा और 2-3 मिनट के लिए फ्राई कर देंगे। उसके बाद इसे हम 2-3 मिनट के फ्राई कर देंगे। ये देखिए ये बहुत ही सुंदर तरीके से ये फ्राई हो चुका है। अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। हम गैस ऑफ कर देंगे, थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। फिर हम इसे निकाल के ये निकाल के हम इस मिक्सर ग्राइंडर पे अच्छे से पेस्ट बना देंगे। चलिए देखते हैं।
हमारा जो अब हम पेस्ट रेडी हो चुका है, अब हम इसमें जो पेस्ट था उसमें थोड़ा सा तेल बच गया, तो इसी कढ़ाई को हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम तेल वेस्ट नहीं करेंगे। उसमें बस थोड़ा सा एक चम्मच तेल डालना है। ये हमारा तेल गरम हो चुका है। इसमें हम आधा चम्मच जीरा डालेंगे, उसके बाद थोड़ा सा हींग डालेंगे। ये ऑप्शनल है, डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं। उसके बाद स्वाद अनुसार लाल मिर्च डालेंगे, ये भी थोड़ा सा आपको आपके आप अगर ज़्यादा मिर्च खाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा डालिए, और अगर कम खाते हैं तो थोड़ा कम आपके अनुसार। फिर मैं इसमें आधा चम्मच हल्दी डाल रही हूँ। ये हम जो हमने ये पेस्ट बनाया था, ये आप देख सकते हैं ये पेस्ट कितना सुंदर कलर आया है, बहुत ही सुंदर कलर आया हुआ है। और इस पेस्ट को हम तेल में डाल देंगे। हम इस पेस्ट को तेल में डालेंगे और तब तक फ्राई करेंगे तब तक ये मसाला अच्छे से भूंज ना जाए, पक ना जाए। इसका सुगंध मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, आप भी अगर ट्राई करेंगे तो आपको भी पता चलेगा इसका सुगंध बहुत अच्छी है, टेस्टी भी होगा। ये देखिए हमारा ये मसाला पूरी तरह से पक चुका है। ये देखिए तेल ऊपर तक निकल गया, इसका मतलब ये साइन है कि ये मसाला पूरी तरह से पक चुका है। अब जो मैंने सबसे पहले जो सूखी मिर्च डाली थी वो तेल से मैंने निकाल रखा था, क्योंकि पेस्ट बनाने के टाइम तेल से मैंने निकाल रखा था। अभी मैं इसमें ये डाल देती हूँ। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर पाव राजमा लिया है, पूरी तरह से सील गए। अब इसमें ये राजमा जो है इसमें डाल देती हूँ। गैस का फ्लेम हमें फ्लेम हाई कर देना है, अब ये ताकि मिक्स हो जाए, ताकि इस राजमा के साथ ये मिक्स हो जाए मसाला पूरी तरह से मिक्स करना अच्छे से। फिर इसे थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं ताकि ये मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। अब देख सकते हैं इसका कलर बहुत ही सुंदर तरीके से आ गया है कलर। अब मैं इसमें बड़े कटोरी से हाफ कटोरी ये देखिए मैंने राजमा को मसाला के साथ थोड़ा सा हल्के से फ्राई कर दी है। फिर उसके बाद मैं बड़े कटोरी से आधा कटोरी इसमें पानी डाल रही हूँ ताकि जो हमारा जो मसाला है वो राजमा के अंदर पूरी तरह से चला जाए और बहुत ही टेस्टी एक राजमा करी बन जाए। फिर इसे हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे और गैस का फ्लेम थोड़ा सा हाई कर देंगे। जा चुका है अंदर, देखिए कलर बहुत ही सुंदर है और इसकी स्मेल जो है बहुत ही अच्छी आ रही है, मुझे लगता है ये बहुत टेस्टी होने वाली है। अब ये राजमा हो चुका है राजमा करी, आप देख सकते हैं ये। अब ये राजमा करी है तो इस यहाँ पर गरम मसाला के बिना ये अधूरा है, और अभी तो बहुत गर्मी है, फिर भी थोड़ा मैंने हाफ चम्मच गरम मसाला डाल दिया है
थोड़ा सा डाल रहे हैं बस, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो गई। अब हम इसे गैस ऑफ कर देंगे। और मैंने यहाँ पर धनिया चॉप कर रखा था, वो थोड़ा सा वो ऊपर ऊपर दे देंगे, इससे और टेस्ट की जो गुण है वो और ज्यादा हो जाएगा। अब ये सर्व करने के लिए पूरा रेडी है, अब आप इसे सर्व कर सकते हैं। देखिए बहुत ही टेस्टी और मसालेदार बन चुका है, अब इसे आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस है ये राजमा, हम इसे सर्व कर सकते हैं। ये देखिए अब राजमा रेडी हो चुका है, अब इसे आप चावल के साथ एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है राजमा चावल बहुत ही फेमस है, तो इसे एंजॉय कीजिए चावल के साथ, बहुत ही टेस्टी लग रहा है, आप लोग भी एंजॉय कीजिए। ठीक है, आप लोग ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कैसा लगा मेरा ये रेसिपी। थैंक यू सो मच।